दरअसल अभी 2-3 दिन पहले ही नेल्सन मंडेला जी गुजर गए और राजकीय शोक है। मुझे लगता है कि वो उन्हें पता था कांग्रेस का चुनाव परिणाम आने वाला है तो इसलिए वो निमट गए ताकि कांग्रेसियों को कहने का मौका मिल जाए। हम तो इसलिए उदास है कि राष्ट्रीय शोक है, यही कारण हो सकता है। इसलिए आप मस्ती में रहो जी, आनंद में। आसाराम जी का जिक्र किया संपत सरल जी ने, वो मेरे परिचित हैं, उनका फोन आया, बोले यार घर के मंदिर में आसाराम की फोटो लगा रखी है, अब क्या करूं। मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी की लगी हुई है। तो सब तरह मामले चल रहे हैं जी, बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। बहुत शानदार काव्य पाठ संपत सरल जी ने किया, राजस्थानी का जो पुट जिन्होंने दिया, वो राजस्थान के हैं, हमारा पड़ोसी प्रदेश है, लेकिन अंतर बहुत है जी। इनके यहाँ बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, हरियाणा में आप जी इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। हरियाणा में तो आप पहले से ही वर्जित है, चिंता मत करो आप, हरियाणा में आपका कोई मतलब नहीं। हरियाणा में तो वर्जित है ये सब। आप राजस्थान घूमो जी, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम के आगे भी श्री, हरियाणा में तो बाप के नाम के आगे नहीं लगा हुए है। बोले किसका सा, बोले देवकी का। तो श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं हमारे। वो मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती, सच्चाई तो यही है। वो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपये दे, बताओ ऐसे कौन देगा। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है भाई, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ है। बोले 20 रुपये दे। मैंने कहा क्या करेगा, बोले चाय पीऊँगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपये की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ। तो ये दोनों प्रदेशों का अंतर है जी। इनके यहाँ चले जाओ कितनी मनुहार करते हैं साहब, रेस्टोरेंट में चले जाओ वेटर तो कितनी मनुहार करते हैं कि आदमी धन्य हो जाए, ये तो खाया नहीं जी, ये नहीं लिया जी, ये नहीं लिया। हरियाणा में कौन करे, हमें तो ये मनुहार खुद ही करानी पड़ती है। वो एक दामाद पहुंच गए रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बना बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली भाई 2 रोटी रखे, 1 सब्जी रखे, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला कर रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापिस करी, तो सास बोली वापिस क्यों दे है। बोले बाद में बूझेगी नहीं, एक और लो। तो हम तो प्रवीण जी मनुहार खुद ही करा लेते हैं, दूसरे के भरोसे रहते ही नहीं। सास दामाद के किस्से सुना रहे थे, वो एक सास ने दामाद का तिलक किया और 21 रुपये हाथ में रख दिए। बताओ आज के जमाने में 21 रुपये कौन ले है। बोले सासू रहने दे। वो कह बटेऊ ले ले। आधे घंटे तक यही बहस होती रही, वो कह सासू रहने दे, वो कह बटेऊ ले ले। इतने देर में साली बोल पड़ी, हे जीजा ले लेना, 1 दर्जन केले ही तो लाया था। करा लो खातिरदारी। तो हमारा अलग मामला है बिल्कुल। बीच बीच में संपत सरल जी ने काफी ज्ञान भी दिया आपको, आपने देखा होगा कि धूप नहीं बनाई जा सकती, उजाला बनाया जा सकता है। ये कर सकते हैं ज्ञान की बात, मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि हरियाणा का आदमी तो ज्ञान लेता ना देता। भाई एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या। आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका,
बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहाँ से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन, लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? हमारा प्रवचन से क्या लेना देना जी? वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था, बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। दरअसल ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं 1990 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा, ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है जी। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वो मेरे पड़ोस में रहते रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापिस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। इन बच्चों का मुकाबला कर सकता कोई? वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? तो एक बाड़ा खड़ा होकर बोला जी शराब के गिलास में। कहां तक मुकाबला करोगे भाई इनका? बोले जी वो उड़ती तो आकाश में है, कौन है वो? और पैदा बच्चे पैदा करने धरती पे आती है। तो एक बाड़ा खड़ा हो गया, बोले जी एयर होस्टेस। इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है जी, बच्चे लाजवाब हैं। प्रेम की स्थिति बता रहे थे भाई संपत सरल, इनके पत्र प्रेम पत्र पढ़कर लिख इन्होंने जो लिखे उससे कईयों के ब्याह हो गए। हरियाणा में तो ये संभव नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, जिसने किया ब्याह के बाद ही किया, चाहे गोपाल कांडा हो चाहे चंद्रमोहन हो। और वो गोपाल कांडा तो कमाल साहब, दो छोटे हवाई जहाज थे उसके पास, 24-24 सीट वाले, और 72 एयर होस्टेस रख रखी थी भाई ने। अगले को सवारियों की तो जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है जी, ब्याह के बाद ही होता है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हरियाणा में ही संभव है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू, लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुनाई नहीं था तो मारा क्यों? तो हमारे प्रेम की स्थिति बिल्कुल अलग है जी। वो मेरा एक दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह से जले हुए उसके। मैंने कहा यार होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, खुशी के मारे इंजन चूम लिया। तो आदमी की खुशी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है जी। वो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की एक उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी।
बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। ऐसे उंगलियों के बहकावे में ना आते जी। वो एक ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले शिमला जा रहा हूं, पत्नी को साथ लेके जा रहा हूं, सोच रहा हूं जाते हुए उसे किसी खाई में धक्का दे दूं। तो दोस्त बोला यार मेरी वाली भी ले जा। बोले ले तो जाऊंगा, अगर बुरा नहीं माने तो उसे वापसी में धक्का दे दूं। हमें पता है जी हमारे प्रेम की क्या स्थिति है जी। नहीं वो भी दरअसल टाइम हो गया क्या मेरा? अच्छा नहीं, मैंने कहा फरमाइश पे आ गए तो टाइम हो सकता है, भाई मुझे पता ही नहीं वो कितना टाइम चला गया। दरअसल क्या हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है इसलिए हास्यरस में रहता है, हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं? तो इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला आप नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। तो ये आनंद जीवन में बहुत जरूरी है जी। और प्रेम की जहां तक बात है तो हमारे यहां प्रेम जो है मनुष्यों का क्या पशु पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालते हो, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बाकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमारे यहां तो पूजा पाठ भी क्या निकली है, कोई भरोसा नहीं है जी। क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला ही बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो ये जो मस्ती है साहब ये अलग है। वो एक बार हरियाणा में बारिश नहीं हुई तो बोले क्या करे, तो एक चौधरी से कहा, बोले तू तपस्या कर ले तो बारिश हो जाएगी। चौधरी ने भी कसूती तपस्या कर दी साहब, पूरा जोर लगा दिया। इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होने ही थे भाई, चौधरी तपस्या कर रहा है यही बहुत बड़ी बात है। बोले वर मांग है, बोले बारिश करा दे और क्या। अरे बोले बारिश तो हो ही जाएगी जब मैं आ गया हूं, तू तो वर मांग है। बोले खेत खलियान है, मौज मस्ती है। हे बोले मना कुछ नहीं चाहिए, वह बारिश करा दे। बोले पहला आदमी देख रहा हूं जिसे वर मांगने कर रहा वर नहीं मांग रहा कुछ, हे मांग ले कुछ। बोला तेरा घना ही जी कर रहा है ना, तो एक बार मैंने फूफा कह दे। बताओ ऐसे का इंद्र भी क्या कर लेगा जी। तो ये आनंद जीवन में बहुत आवश्यक है जी, ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए। और हमारे यहां तो हर संबंध में ऐसे ही है। वो एक ने मैंने चाय बनवाई तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इसे कट चाय कर दे 1/2। अच्छा वो 1/2 कर ही रहा था, इतने में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया, बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी साहब। पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासा ने धोके दे दे बस। और ऐसा नहीं कि दुकानदारी ऐसे हो, ग्राहक भी ऐसे ही हैं। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने भरपेट जलेबी खाई छिक के। जब पैसे देने का नंबर आया भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे,
जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। है, बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव एक किलो और दे दे। दरअसल आज राजनीतिक मामला चल रहा है, तो एक कविता मैं छोटी सी सुनाना चाहता हूँ पहले भाई साहब। अभी जब चुनाव हो रहे थे दिल्ली में, तो प्याज महंगी थी ना, तो नेता प्याज से तुल रहे थे। तो मैंने एक से कहा, इनका प्याज से क्यों तुले? बोले इससे पता नहीं लगेगा कि बदबू कहाँ से आ रही है। तो ये तुलने की जो मानसिकता है, उस पर मैंने एक व्यंग की कविता लिखी है, बहुत छोटी सी। गोबर की शॉर्टेज है, गोबर बाहर से मंगाएंगे, नेताजी को जैसे ही पता लगा, वो बोले इस बार तुम खुद को गोबर से ही तुलवाएंगे। तो एक पलड़े में नेताजी, एक में गोबर, सीन था बड़ा धांसू, पास खड़ी भैंस की आंखों में थे आंसू। गोबर रह रहकर बह रहा था, और भैंस का दिल कह रहा था, क्या मैंने इसी दिन के लिए खाया पिया था। गोबर था कि पलड़े में रुकने को तैयार नहीं, और नेताजी उठने को तैयार नहीं। चमचे ने कहा, ज्यादा नहीं, बस 2 किलो एक बार में और चढ़ जाए तो पूरा पड़ जाए। एक चिल्लाया, बस 2 किलो कम है तो क्या गम है, यह समस्या कौन सी भयंकर है, 2 किलो गोबर तो नेताजी खोपड़ी के अंदर है। अब की बार गोबर से आवाज आई, जरा दिमाग से काम लो भाई, खेतों में रहना ही मेरी शान है, नेता के साथ तोलना मेरा सरासर अपमान है। नेता के साथ तोलना मेरा सरासर अपमान है, मैं अगर चूल्हे में रहूं तो पकाता हूं खाना, और इनका काम है जलते चूल्हों को बुझाना। मुझे अगर आंगन में लीप दिया जाए तो वो देता है खुशबू ही खुशबू, और ये फूलों में भी जाए तो बदबू ही बदबू। बसंत आए तो मैं सरसों बन गाता हूं, बैसाख में गेहूं बन के लहलहाता हूं, कभी मैं फूल बन के मुस्कुराता हूं, और कभी गन्ना बन के मिठास उगाता हूं, और इस तरह गोबर से गुड़ हो जाता हूं। इसके साथ तुल मैं गुड़ से गोबर हो गया, इसके चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो गया। जनता के भाग्य तो आजादी की लड़ाई में ही खुले थे, जनता के भाग्य तो आजादी की लड़ाई में ही खुले थे। आप ही बताइए, महात्मा गांधी जैसे नेता क्या कभी किसी चीज से तुले थे? और कविता की अंतिम पंक्तियां, अब तो देश का नसीब जाने कहां से होता है, अब तो देश का नसीब जाने कहां से होता है, सीधी सी बात है, जो तुलता है वो बिकाऊ होता है। तो हमें ऐसे नेता चाहिए, इस बार तो काफी कुछ ऐसे आए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, वरना नेताओं की स्थिति तो आजकल देख ही रहे हो आप क्या है। वो एक सांप नेता जी को काट रहा था, एक ने कहा देखो सांप नेता जी को काट रहा है, बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। तो स्थितियां अलग हो चुकी हैं जी, लेकिन अपने हरियाणा में रहते हैं वही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हरियाणा की मस्ती का कोई मुकाबला नहीं है साहब। हमारे यहाँ हर संबंध हास्यरस में है, बाप बेटे तक के संबंधों में हास्यरस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया, तो बोले कैसे पता लगे बापू सोवे है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। तो ये जो आनंद है ये आवश्यक है साहब, और हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं, हम आपस में बात नहीं करते, इसलिए हास्य कम हो गया। हम आपस में मिलते ही नहीं, क्योंकि बातचीत से निकलता हास्य। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी, तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पर बिठा लिया। थोड़ी देर बाद एक 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी, तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा।
और बुज़ुर्गों की अलग मस्ती है साहब, हमारे बुज़ुर्गों का मामला लाजवाब है। वो मेरे बाबा जो हैं वो 90 साल की उम्र में गुजरे, हर काम टाइम से करते थे जी। शाम को 4 बजे आँख में दवाई डलनी है, 4 बजे डलेगी, ये नहीं कोई 4:45 डाल दे सवा 4 ना। अच्छा, आँख में दवाई मैं डाला करता था। तो एक दिन मैं गया हुआ था और मेरी मौसी आई हुई थी। अरे अरुण कित गया, 4 बजन वाले हैं, आँख में दवाई कौन डाल लेगा? तो मेरी मौसी बोली, मौसा जी मैं डाल देती हूँ दवाई। तेने कदे किसी की आँख में दवाई डाली है? बोले ना। बोले फिर मेरे पे ही तजुर्बा करेगी। वो आंगन में लेटे हुए को ध्यान दे नहीं रहा। अच्छा, बुजुर्गों की तरफ ध्यान ना दो ना तो वो अपनी तरफ आकर्षित करवा लेते हैं। अरे मार दिया रे, ठंड में मार दिया रे। वो मेरे चाचा था, उन्हें खाट उठाई और धूप में रख दी। तो थोड़ी देर बाद ही, अरे गर्मी में मार दिया रे। अरे बोले भाई क्या करें इसका। तो उन्होंने खाट ऐसी जगह रख दी जहाँ आधी धूप आधी छाया। तो थोड़ी देर बाद ही, अरे गर्म सर्द करके मार दिया रे मार। तो इन बुजुर्गों की मस्ती अलग है। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा, तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली, ताऊ कित जागा? अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी, कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए साहब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली, ताऊ कित जागा? तो बूढ़ा बोला, बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। तो ये आनंद जरूरी है जी। एक कविता का आदेश पंवार जी दे रहे हैं मुझे। दरअसल क्या कहते हैं, हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, कभी जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं महीने में के बारे सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का ही आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए पहुँचा तो नाई ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। सोचने वाली बात है, को हम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा है तू? वो रश्मि जी बाट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, बाट देखने वाला। वो हरियाणा में तो भ्रष्टाचार भी हास्यरस में होता है ना। वो एक ने एक नई नई कार वाले को पकड़ लिया, देखा भाई सब चीज ठीक ठाक हैं। बोले अच्छा लाइसेंस कार्ड? उसने लाइसेंस दिखाया, वो भी ठीक। बोले अच्छा गाड़ी के कागजात दिखा? कागजात दिखाए, वो भी ठीक। बोले अच्छा 500 रुपये कार्ड? बोले जी किस बात के है? बोले 500 रुपये कार्ड। बोले जी मेरी गलती क्या है? बोला तू 6 महीने तक गलती नहीं करेगा, मैं बाट देखते रहूंगा। तो हमारे यहाँ तो ये भी हास्यरस में ही है। तो जवाब ऐसे ही है जी। अभी आज की बात है, मैं घर पहुंचा तो मैंने पत्नी से कहा सुबह, मैंने कहा एक गिलास पानी पिला दे। बोले प्यास लग रही है? मैंने कहा ना गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा। तो ये सवाल उल्टे हैं। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, देख ले पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? अब कायदे से ये सवाल गलत भाई, जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है, ए बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना अगरबत्ती सुलगाइए, धोक लगाऊंगा। मैं फटाफट कविता पे आता हूं। कोई नहीं कोई नहीं, चिंता नहीं कोई। हाँ तो ये मस्ती जरा अलग ही है हमारी, जवाब ऐसे ही हैं, सवाल भी ऐसे ही हैं। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा होगा लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक कहते हैं प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे पर मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी खेत में चल रही थी, वो तो इंजन की नियत खराब हो गई उस पर, क्या करें भाई। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने है। बोले बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने, सांझ ने घर छोड़ देंगे।
और तू कहे तो तेरे घर छोड़ दें। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना, आँख कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं, फिर भी हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे ही देता है जी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जवाब उल्टे का एक अलग आनंद है। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा यार भिवानी जाना है, अरे बोले जाओ, मैंने क्या रोक रखा है। अरे मैंने कहा ये सड़क भिवानी जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी ना। जवाब नहीं देगा वो आपको। अभी मैं सोनीपत गया जी, मुझे एक पता ढूंढना था, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया, और गंदे नाले का मुझे बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो जवाब नहीं मिलेगा ये। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता आदरणीय पंवार जी का आदेश है, वो सुनाता हूँ, और फिर इस कविता के बाद पंवार जी हैं और आप हैं, और फिर इस कवि सम्मेलन का वातावरण बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जब पंवार जी आते हैं तो आप जानते हैं पंवार जी उस आग का नाम है। पंवार जी आग को गाने वाले कवि हैं, आग को गाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं पहले ही अपना काम कर लेता हूँ। बहुत आनंद के साथ सुनिए, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया तो आप सुनने में क्यों लगाओ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया, हरियाणा का राधेश्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्थेसी कराने के लिए? भाई अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्थेसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है, ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तू सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कभी पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई जी, मेरी एक बहन थी उसकी शादी कर दिया, वो जाने बहन हुई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदे पर लगा दिया पूरा खानदान, सेब खरीदे पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। अजी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो?
अगला भी पीछे पड़ा हुआ है जी। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा भाई, अपना नौकर भेजेगा और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हाँ, हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बबाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते, तो ना मैं आता ना आप यहां आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं, पांचवा अभी अभी हुआ है भाई साहब। एक तो आदम और हव्वा ने खाया, जो उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं, ऊपर तक है। दूसरा सेब वो लोकप्रिय हुआ जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब अभी आसाराम जी ने लोकप्रिय करा है, पता लगा वो नारायण साईनी तो कमाली करा साहब, अपनी शिष्या को सेब खिलाया जिससे वो गर्भवती हो गई। तो सेब की का मूल्य देखो आप, मतलब बहुत लोकप्रिय करा उन्होंने अभी। और पांचवा सेब है मेरा। कहते जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है तो बीमारी होती है। लो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं, और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत। व्यंग लेख पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता था, क्योंकि व्यंग थोड़ा सा घुमा के कहने का तरीका है। जैसे शरद जोशी जी ने एक जगह लिखा है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठा रही है, वो कदम इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं। तो मैंने सरकार से कहा पोले कदम उठाओ, ये कम से कम उठ तो जाएंगे। सरकार बोली पोले ही हैं, नहीं उठाने से तो ठोस लगते हैं। यह व्यंग का चमत्कार है, यह व्यंग की भाषा है। और आतंकवाद पे तो खैर हरियाणा का कोई मुकाबला ही नहीं। मेरे को एक आतंकवादी मिला, मैंने कहा जगह जगह विस्फोट करते हो आप, बंबई दिल्ली जयपुर, कभी हरियाणा भी आके देखो, यहां भी लोग रहते हैं भाई, भिवानी आओ कभी। तो बोला जी हमारा एक प्रोसेस है। मैंने कहा क्या? बोले हमारा एक आदमी जाता है जी भीड़ भरे बाजार में साइकिल खड़ी करके आता है, उसके आधे घंटे बाद दूसरा जाता है उसमें विस्फोटक लगाता है, उसके आधे घंटे बाद तीसरा जाता है और रिमोट से विस्फोट कर देता है।
हमने भिवानी के भीड़ भरे बाजार में कई बार साइकिलें रखी, तो ये जो आपका जो आतंकवाद से लड़ने का जो अहिंसात्मक तरीका है, इसकी वजह से आतंकवादी संगठन घाटे में चल रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूं आपको, ये लड़ने का अच्छा तरीका है। हरियाणा वाला ही लड़ सकता है इससे। वो रोहतक के बाजार में एक बुढ़िया बैठी थी, उसके बराबर में बम रखा था, तो एक चिल्लाया, बोले अम्मा बम। बोले बेटे बम तो मैं जवानी में थी। तो हरियाणा का आदमी हर स्थिति में सही रहता है जी। तो मैं संपत सरल जी के बारे में बता रहा था कि वो व्यंग लेख पढ़ते हैं, और व्यंग थोड़ा सा घुमा के कहने का तरीका है, अलग ढंग से बात कही जाती है। जैसे कभी हम ओलंपिक में बुरी तरह हारते थे, कभी एक आध पदक कोई आ जाए तो आ जाए बस। तब शरद जोशी जी ने लिखा, बोले ओलंपिक नाम उस जगह का है जहां जाकर भारतीय टीम हारती है। इस बार भी हम गए और हार गए, जाना हमारा काम है, हराना उनका काम। हम उन तुच्छे भौतिकवादी देशों में से नहीं जो सोने के एक टुकड़े के लिए मारे मारे फिरे। सबसे आगे दौड़ रहे हैं, क्यों? जरा से एक गोल्ड मेडल के लिए? धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर। भारत आत्माओं का देश है, रेस में हमारा शरीर भले ही पीछे हो, आत्मा हमेशा आगे रहती है।